मजदूर दिवस के अवसर पर राज्य कर्मचारी संयुक्त परिसर द्वारा श्रद्धांजलि सभा का आयोजन कलेक्ट्रेट स्थित कोषागार सभागार में किया गया। इस अवसर पर परिषद के सदस्यों ने पूर्व मुख्यमंत्री स्वर्गीय हेमवती नंदन बहुगुणा के चित्र पर माल्यार्पण और पुष्प अर्पित कर उन्हें श्रद्धांजलि दी। इस अवसर पर परिषद के अध्यक्ष रूपेश कुमार श्रीवास्तव, महामंत्री अश्वनी कुमार, रमेश कुमार, सुरेश कुमार, जनार्दन जायसवाल, जयप्रकाश गुप्ता, कृष्ण मोहन सहित परिषद के कई पदाधिकारी और सदस्य मौजूद रहे। गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए परिषद के महामंत्री अश्वनी कुमार श्रीवास्तव ने कहा, मई दिवस 1 तारीख को लेबर दिवस के रूप में मनाया जाता है, मजदूरों के दिवस के रूप में। और दूसरे जो है 100 वर्ष पूरा होने के उपलक्ष्य में जन्म शती समारोह मनाया जा रहा है आदरणीय स्वरूप मुख्यमंत्री हेमवती नंदन बहुगुणा के। कर्मचारी के लिए इनका योगदान बहुत ही महत्वपूर्ण रहा है। तक सेवा भर्ती सेवा नियमावली इनके समय में 1974 में जारी की गई। इनका मान इतना था कि 4 मार्च को इन्होंने इस्तीफा दिया, लेकिन उसके तुरंत 5 मार्च को 74 को पुनः जो है इनको इंदिरा गांधी जी ने इनको मुख्यमंत्री बनाया। लेकिन इमरजेंसी जब 75 में लागू हुई तो फिर उन्होंने कांग्रेस से मान मर्यादा को अपने रखते हुए कांग्रेस से इन्होंने नाता तोड़ दिया। आज हम सभी लोग कर्मचारी भाई इनके इसी सम्मान को देने के लिए आए हैं। सम्मान तो दे नहीं सकते, उनकी तुलना तो कर नहीं सकते, लेकिन कर्मचारी हित में इनके द्वारा किए गए प्रयासों को ध्यान में रखते हुए जो भी श्रद्धांजलि हम दे रहे हैं वो इनके लिए हमारे लिए तो बहुत थोड़ा है और इनके लिए भी थोड़ा ही होगा।